भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। फैंस ने इस खुशखबरी को जमकर सेलिब्रेट भी किया, लेकिन दूसरी तरफ फैंस मायूस भी हो गए। वजह, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का T20 से संन्यास लेना। रोहित के बाद सबको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या का कप्तान बनना तय है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन उनकी जगह श्रीलंका दौरे के लिए सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई। इसके अलावा टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भी खत्म हो गया। राहुल के बाद गौतम गंभीर को टीम का हेड कोच बनाया गया। गंभीर के हेड कोच बनने के बाद उन्होंने टीम में कई बदलाव किए। सबसे पहला बदलाव, हार्दिक की कैप्टेंसी नहीं देना। कहा जा रहा है कि हेड कोच गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि पांड्या कप्तान बने। इसके अलावा अजीत अगरकर भी हार्दिक की लीडरशिप स्किल से ज्यादा इंप्रेस नहीं थे। मुख्य कोच गंभीर चाहते थे कि सूर्य कुमार यादव भूमिका निभाए, क्योंकि वो हार्दिक की निरंतरता और फिटनेस से कॉन्फिडेंट नहीं थे। इसके अलावा अगरकर भी हार्दिक को लेकर श्योर नहीं थे, जो एक सफल कप्तानी कार्यकाल के लिए जरूरी थी। दरअसल गौतम गंभीर का कार्यकाल श्रीलंका दौरे से शुरू होगा। इस दौरे के साथ ही टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी शुरू कर देगी। वनडे टीम में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है। रियान पराग और हर्षित राणा को मौका मिला है। इसके अलावा शुभमन गिल को T20 और वनडे टीम का नया उपकप्तान बनाया गया। वहीं हार्दिक पांड्या अब बतौर ऑलराउंडर खेलते नजर आएंगे। टीम इंडिया ने वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, हर्षित राणा और खलील अहमद पर पूरा भरोसा जताया है। टीम इंडिया हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पर शिवम दुबे को तैयार करने के इरादे में है। लिहाजा शिवम दुबे को T20 के साथ साथ वनडे टीम में भी शामिल किया गया है। बता दें कि हाल ही में रियान पराग ने टीम इंडिया के लिए T20 डेब्यू किया था। अब रियान को वनडे टीम का भी हिस्सा बनाया गया है। हर्षित राणा IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं। IPL में हर्षित राणा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। आपको बता दें कि गौतम गंभीर की मेंटरशिप में वो खेल चुके हैं। हर्षित अब वनडे टीम का हिस्सा भी बन गए हैं। वहीं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और KL राहुल काफी समय से टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब दोनों को वनडे टीम में शामिल किया गया है। हाल ही में श्रेयस अय्यर की अगुवाई में KKR ने IPL का खिताब जीता था। वहीं KL राहुल भी IPL में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए आप बने रहिए आज भारत के साथ।